नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज मैं इस झारखंड के दो एंटरप्रेन्योर से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इंदिरा सोलर के नाम से अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया और जो पूरे विश्व की ज़रूरत है सोलर लाइट। आपको पता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन का कभी भी कॉलिजन ख़त्म नहीं होगा, जिसका प्रकाश पुंज सूरज को कहा जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन का ही वहाँ कॉलिजन होता है जिससे रोशनी आती है और हम लोग सब जीवित रहते हैं। तो आज सोलर लाइट और सोलर पैनल के ऊपर आज इन दोनों ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, ये दो युवाओं ने। और आज 2019 से है ना 2019 से इन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है युवाओं के लिए। जो युवा चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ ऐसा काम करूं जो प्रकृति की भी सेवा हो, देश की भी हो और मानवता की भी हो, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अख्तर से बात करना चाहूँगा कि ये मन में जिज्ञासा कैसे आई और आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा प्रोफाइल बताइए। जी, एक्चुअली क्या है कि हमने कंपनी की शुरुआत की 2019 से, कोविड आने से पहले हमने शुरुआत की थी इसकी। हमारा मेजर पर्पस यही था कि क्लाइमेट चेंज जो हम अभी देख रहे हैं कि अभी दुनिया की हालात बहुत ख़राब चल रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तो हमने सोचा कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हुए हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करें जो कि नॉर्मल मैनकाइंड को हेल्प करें। इसके लिए हमने सोलर पैनल को एक ऑप्शन चुना जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जो फ्री एनर्जी सन से हमें मिलती है, उससे हम घरों पर बिजलियाँ और ये सब प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब मैं राहुल से जानना चाहता हूँ कि राहुल, आप अपने बारे में बताइए कि इतने कम एज में जो आपके मन में एक बेहतरीन आइडिया आया, इतने सुंदर आइडिया आए कि आप पूरी दुनिया को बदलने के पीछे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि वैसी एनर्जी जो प्रकृति को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हुए और सबसे स्मूथ और सबसे अच्छी एनर्जी देती है, सोर्स है, लॉन्ग टर्म का सोर्स है, आप क्या कहना चाहेंगे? कि सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो कि अभी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कोल के जो आप देख रहे हैं कि कोल जो भी है वो अभी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होती जा रही है, तो अपने घर पर सोलर क्यों ना लगाएं? क्यों हम अपने घर पर सोलर लगाएं, खुद की बिजली पैदा करके खुद अपना वो कंज्यूम करें? हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन है जो पावर प्लांट को लगा कर घरों पर हम गवर्नमेंट को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो सोलर के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग घरों पे सोलर लगाएं, खुद की बिजली बनाएं और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल से जो परेशान है वो इससे उनको निजात मिले, निजात मिलेगा। अच्छा, अब टेक्निकल चीज़ बताइए कि कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक, 99.9% लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी नहीं है और उनको ये पता नहीं कि एनर्जी लगती कैसे है और हम इसका यूज़ कैसे करें। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब वो पता चले उसमें भी आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करें। तो आप शुरुआत से बताएं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वो कैसे इंस्टॉलेशन होगा उसका और वो बिजली कैसे उसमें सप्लाई होगी। तो टेक्निकलिटीज़ हमको बताइए, वो सारी चीज़ अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो बताइए, कैसे कैसे शुरुआत होती है सबसे पहले? जी देखिए, सबसे पहले हमें अपने घरों पे लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हम क्या क्या सामान अपने घरों पे चलाएंगे। जैसे कि बेसिक आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फ़ैन हो गया, लाइट्स हो गए, ये आपकी बेसिक नीड्स हो गई जो आप रन करेंगे, ठीक है। तो जनरल घरों पे 1 kW का सिस्टम एनफ होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट फैन यही बेसिक नीड्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं जिससे आप खुद की बिजली आप बनाएंगे, आप खुद की आप एनर्जी बनाकर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको, आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर रहे हैं और कार्बन एमिशन जो होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नेसेसरी माना जा रहा है अभी, वो भी आप कम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 1 kVA का अगर आप सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका खर्च आपको नियर अबाउट 80,000 के अराउंड आता है, जिसमें आपको पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर्स, वायर्स, केबल्स एंड कनेक्टर, सारा कुछ आपको 1 kW के सिस्टम पे मिलता है। और जैसे जैसे किलोवाट का बढ़ता है उसी तरह से आपके प्राइस भी पर किलोवाट 80,000 रुपीज़ हमेशा बढ़ते जाती है। मैंने 80,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से बढ़ती है। तो जो आपने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले क्या पैनल इंस्टॉलेशन होता है, क्या करते हैं आप?
सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को सेट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ है आपके पास स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है क्योंकि अच्छा। ये इस जगह पे हम स्ट्रक्चर ला नहीं सकते थे जी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे पैनल को फिटिंग करते हैं, उसके बाद पैनल मतलब ये है, ये अच्छा पैनल का मतलब इसको सोलर पैनल बोलते हैं, यही सोलर पैनल। ये भी दो तीन कैटेगरी में, अच्छा ये आप जो देख रहे हैं ये पॉली पैनल है, ये पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है, ठीक है। अब दूसरे तरफ भी आप देखेंगे, जैसे ये वाले जो पैनल है ये मोनो क्रिस्टलाइन है, अच्छा ये पॉली से बेटर होती है। अच्छा। लो लाइट कंडीशन में, वेदर अगर खराब है कंडीशन है, तो इस जगह पे आप मोनो पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। कितने तरीके के पैनल आते होंगे? पैनल ऐसे दो तरीके के आते हैं, मतलब एक मोनो क्रिस्टलाइन, एक पॉली क्रिस्टलाइन। इसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो कि समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे बेहतर होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या करना? पैनल को लगाने के बाद हम एक इन्वर्टर का सेटअप करते हैं, जो इन्वर्टर हमारे कैमरा में दिख रहा होगा, जो जो माने इसके बाद एक इन्वर्टर ही लगाना पड़ता है। ये एक केवीए का इन्वर्टर है, ये 800 वीए का है, ये 1050 वीए का है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं कि कितने, जिस जैसा आपका लोड होगा घर पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टर सेट करना होगा। जी, जी, जी। इन्वर्टर के साथ हम ये बैटरी कनेक्ट करते हैं, अच्छा ठीक है। अब लोड जिनका जितना बैकअप चाहिए उसके अकॉर्डिंग, सिंगल बैटरी चाहिए या फिर डबल बैटरी चाहिए, बैकअप जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर हम बैटरी का सेटअप देते हैं, ठीक है। और ये सारा कंक्लूड करके हम उनको मेन ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, सोलर इन्वर्टर रखा है इस? जी जी, हो सकता है ये सोलर इन्वर्टर, ये 3 KVA का इन्वर्टर है। इस पे आप 3 KW का पैनल डाल सकते हैं। इस पे आपको 4 बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको बैटरी बैकअप अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं तो ज्यादा बैटरी बैकअप के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 1 KVA का अगर कोई लगाना चाहे तो इसको लगाने की हो सकता है क्या? नहीं, 1 KVA का मतलब आप 1 KVA का सेटअप लगाया आपने, अगर आपका लोड बढ़ता है 2 KW तक जाते हैं, 2.5 KW तक जाते हैं, तो आप ये सिस्टम आप लगाने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अच्छा ठीक है। और ये क्या है जो आप बताना चाहते हैं? ये सोलर वाटर हीटर है। अच्छा ठीक है। जिसमें आपको सूर्य की रोशनी से आप यहाँ पर इस ट्यूब्स के मदद से पानी गर्म करते हैं। अच्छा। और पानी गर्म करके आप अपने घरों में, बाथरूम हो गया या किचन हो गया, मैं वहाँ पे आप सप्लाई में यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर 80-85 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मिल जाता है पानी का। कितना टाइम लगता होगा पानी को गर्म? ये 2-3 घंटे में आपको पानी गर्म हो जाता है। अच्छा, मतलब आप माने पानी गर्म जब यूज करना चाहते हैं उसे 2 घंटे पहले ऑन कर दीजिए। ऑन करने के जैसे ही आपके सनलाइट, सूरज निकलेगी, आप ये 2 घंटे के बाद पानी आपको सब मिलेगा जैसे फर्स्ट साइकिल अगर कंप्लीट हो जाता है ना। हाँ। एक जैसे इंस्टॉलेशन के बाद 1 दिन निकल जा रहा है। हाँ। उसके बाद आपको मॉर्निंग से ही आपको गर्म पानी इसमें मिल जाएगी। इस टैंक में 48 आवर्स तक पानी स्टोर रहती है गर्म। ठीक है। बहुत बहुत सुंदर। अख्तर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 80,000 रुपीज पर केवी के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर है वो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि भाई वो आदमी एक बार एक्सपेंडिचर वो कर देता है, इसके बाद वो कितनी दिनों में उससे कई गुना फायदा कमा, माने सेव कर सकता है, तो वो कैसे आप जस्टिफाई? यहाँ पे क्या है कि जैसे 80,000 रुपीस पर किलोवाट लगा उनका। हाँ। तो यहाँ पे 80-90% तक उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेविंग हो जाती। अच्छा। है तो वो सेविंग को अगर हम 1-3 साल में कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो सेविंग आपका जो प्लांट कॉस्ट आपने लगाया है वो आपको कवर अप कर जाता है। अच्छा। तो इससे क्या हुआ कि 3-4 साल में आपका प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो भी आप जनरेशन कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने घरों पे फैन, लाइट, टीवी आप मजा लुत्फ उठा रहे हैं। जी अच्छा, इसमें लोगों का एक भी मानना होता है कि बैटरी इसमें बराबर हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है, क्योंकि मन में बड़े पुराने ख्याल लोगों के हैं, उसको आप कैसे दूर करेंगे कि ये बहुत सेफ है और कोई खर्चीला नहीं है? बैटरी का क्या है कि उनका लाइफ रहता है आपका 8-9 साल, 10 साल तक भी लाइफ रहती है, पर 5 साल की वारंटी मिलती है। जैसे आपकी कुछ भी फ़ोन वगैरह भी है, वारंटी आपकी 1 साल की रहती है, पर आप यूज़ को 2-3 साल तक कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे से अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो बैटरी भी आपकी अच्छी चलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदिरा सोलर ने, राहुल और अख्तर ने दो इतने बेहतर प्रोजेक्ट को आज हमारे झारखंड की धरती पर उतारा है कि जिससे कि हम युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे युवा ही दुनिया को तो बदलते ही हैं, इन्वायरमेंट के फ्रेंडली प्रोजेक्ट को भी धरातल पे उतारते हैं। इन्होंने ये करके दिखा दिया है कि हम लोग प्रकृति को बचाएंगे तभी हमारे अगले जनरेशन को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो इंदिरा सोलर की ये पहल इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत इसको सराहना करती है और उसको सपोर्ट करती है। नमस्कार इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से।